हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 22 तारीख है, 22 अगस्त 2019 थर्सडे का दिन है। आज एक्सपायरी था निफ्टी में, वो तो ब्रिस वे में एक्सपायरी किया और अभी तक स्टिल निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में वीकनेस है, कंटिन्यू रहेगा। अभी तक कोई भी बाइंग FI की ओर से नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको अभी भी सलाह दे रहा हूँ, वेट एंड वॉच बेस्ट है। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बाद में देखते हैं। अभी जो शेयर लेके आया था वो था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में कंटिन्यू 130 का जो बहुत अच्छा सपोर्ट था वो तोड़ा है, उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे जा रहा है और 100 पे एक बार रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन रुकेगा नहीं और ये 70 तक जा सकता है, 70 75 के आसपास जाके वहाँ पे अगर इसको सपोर्ट लेना होगा तो लेगा, अदरवाइज वहाँ से 35 का लेवल भी आ सकता है। तो 75 का लेवल आने से इसको कोई नहीं रोक सकता है, तो ये 75 की ओर पहले जा रहा है। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, ऐसा मेरा मुझे लग रहा है। बाइंग सेंटीमेंट ठीक है, यहाँ अगर बेस्ट बाइंग तो अपॉर्चुनिटी तब होगी जब 130 को क्रॉस करता है, वहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज अगर वो होल्ड करना चाहते हैं, 2 3 साल 4 साल के लिए रखना चाहते हैं, तो 75 35 के आसपास जब आता है तो वहाँ भी एवरेज कर सकते हैं। अगर हम इसके वेटेड एवरेज की बात करें, आज 22 अगस्त को जब क्लोजिंग हुआ 107 रुपये 70 पैसे NSE पे, 4 रुपये 70 पैसे से डाउन हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम वेटेड एवरेज की बात करें तो आप देखें कहीं जहाँ 110 रुपये पे बंद होना था वहां पे 107 रुपये पे कमजोरी के साथ बंद हो रहा है। अगर हम इसकी डिलीवरी बेस बोलें देखें तो जहाँ 5 करोड़ 86 लाख का ट्रेड हो रहा है, वहां पे 1 करोड़ की डिलीवरी ले रही है। डेली जहां पे 39 लाख 25 लाख 45 लाख का डिलीवरी हो रहा था, वहां पे 1 करोड़ 14 लाख 1 करोड़ 8 लाख से डिलीवरी हो रहा है और टूट रहा है प्राइस, तो आपको वॉच पे रखना चाहिए। अगर इसके मैं डेरिवेटिव को कोट को देखो, डेरिवेटिव में देखो तो आप देखेंगे 108 पे यहाँ पे प्राइस चेंज इन प्राइस माइनस है, निगेटिव है, ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा है, तो जो लॉन्ग थे अब वो भी शॉर्ट की पोजिशन में जा रहे हैं। जहां पे ऑर्डर बुक में देखेंगे 13 लाख 26 हजार की बाइंग है, वहीं 62 लाख 64 हजार की सेल दिख रही है। कॉशियस पोजीशन है, बनाए कॉशियसली रहें, वॉच लिस्ट पे रखें। अगर टाटा मोटर के बोलिंगर बैंड्स को देखें तो ये जो बोलिंगर बैंड्स मंथली बेस पे है, कंटिन्यू आप देखेंगे इस पे एक फॉल हो रहा है, कंटिन्यू मंथली बेसिस पे ये फॉल किया जा रहा है और कहीं अभी रुकने का पैटर्न नहीं है और नहीं रुकते हुए दिख रहा है, और ऐसे हवे में तो रुक नहीं सकता ये, तो इसको कहीं ना कहीं एक नीचे की बेस बनाएगा और जो बनाएगा बोलिंगर बैंड पे वो बेस जो बना रहा है वो 70 के आसपास आता है, 70 रुपीज 77 पैसे। तो हो सकता है ये आपको ये लेवल को टच करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स पे वीकनेस है और कहीं पे भी बाइंग नहीं है। RSI जो है 24% ये बता रहा है वीकली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे जब जा रहे हैं तो RSI जो बता रहा है 25.35, लेकिन डेली बेसिस पे भी देखेंगे तो ये फॉल कंटिन्यू है। ये वॉल्यूम के साथ फॉल है, वॉल्यूम भी है और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी है, वॉल्यूम विद प्राइस एक्शन की फॉल हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। 130 एक क्रुशियल लेवल था, उसको तोड़ा था, वो बहुत गलत था और अब ये 75 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। अगर इसको टाटा मोटर्स 108 रुपये 5 पैसे में 22 अगस्त को क्लोज हुआ है, अगर मैं इसको सितंबर अगस्त नहीं सितंबर की प्राइसिंग देखो, अगस्त में तो शॉर्ट है ही, अगस्त में तो नहीं जाने वाला, सितंबर में भी देखेंगे तो लोग 75 की ओर पोजीशन बना रहे हैं और 90 रुपये पे इसको सपोर्ट दिखा रहे हैं। पहले 100 पे 8 लाख का है, फिर 90 पे सपोर्ट है, वहीं देखें तो 120 रुपये अब ये क्रॉस करने वाला नहीं है, 10 लाख 8 हजार से सितंबर में भी शॉर्ट की पोजिशन चालू हो गई है। तो 110 तक में शॉर्ट की पोजीशन वॉल्यूम के साथ हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत है जो नीचे की ओर जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। और अगर कोई चाहे 108 रुपये 5 पैसे की प्राइस क्लोजिंग है 28 अगस्त की क्लोजिंग में, अगर पुट में देखें तो अगर 110 रुपये के पुट को देखें तो लास्ट ट्रेड पर 4 रुपये 45 पैसा है और 31 लाख का इस पर सपोर्ट है। तो अगर ये आपको इसको इसके पोर्ट को लेना चाहें तो देखेंगे यहाँ पे 24 लाख की बाइंग हो रही है, 3 लाख 78 हजार की सेल है, 3 रुपये 30 पैसे का लो था, 4 रुपये 45 पैसा पे क्लोजिंग दिया, 5 70 का हाई बनाया, 3 हजार का लॉट है, तो
कोई भी चाहे तो 110 के पुट को ट्राई करके देख सकते हैं 29 अगस्त के एक्सपायरी को, चाहे और लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को 1.5 रुपया का रखें, 1.5 रुपया पे एग्जिट कर जाएगा। अगर ये नहीं तो बेहतर तो सितंबर का होगा, सितंबर का अगर 100 रुपये का भी पुट लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर इसको हम सितंबर देखें तो ज़्यादा आपको फायदा होगा कंपेयर टू अगस्त। सितंबर के अगर 100 रुपये 105 रुपये के पुट को 5.90 रुपये पे आपको मिल रहा है, तो 105 के पुट को अगर हम ट्राई करते हैं, जो आज 4.6% का हाई भी गया था, 5.20 पे ओपन हुआ है, चेंज इन ओपिनियन 100% है, 1.53 की बाइंग है, 39,000 की सेल है पुट पे और 3,000 का लॉट है, तो ये कहीं ना कहीं 15,000 रुपये लगेगा आपको, 36-18,000। बट ये पुट शायद आप काम करते हुए दिखेगा जब ये 90 की ओर जाएगा, और अगर वहाँ से टूटता तो 75 की ओर जाएगा, जो कि जाना है। फ्यूचर तो अच्छा है लेकिन फ्यूचर पेपर ट्रेडिंग करें नहीं तो ये आप इस पर वॉचलिस्ट रख सकते हैं। मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप कुछ भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही करें। टाटा मोटर में एक बेरिश पोजीशन दिख रहा है और इसके कुछ न्यूज़ भी आए हुए हैं, यहाँ पे केयर रेटिंग ने भी इसको आप देखेंगे यहाँ पे डाउनग्रेड किया हुआ है, तो ये भी एक न्यूज़ था, इसको डाउनग्रेड किया हुआ है तो उसके कारण भी यहाँ पे थोड़ा सा फॉल आपको देखने को मिला था जो कि जेन्युइन था। तो टाटा मोटर्स माजली अब डिस्पाइट केयर डाउनग्रेड केयर रेटिंग डाउनग्रेड द रेटिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी ऑफ टाटा मोटर्स टू AA नेगेटिव फ्रॉम AA स्टेबल। AA स्टेबल से AA नेगेटिव का केयर रेटिंग दिया गया है, ये 20 अगस्त को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी ये भी एक रेटिंग भी है जो कि इसको वीकनेस की ओर जाते हुए देखने को आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ भी एक इसके लिए काम करता है जहाँ केयर रेटिंग ने इसको डाउनग्रेड किया है। टाटा मोटर्स पे एक वीकनेस है, वीकनेस की पोजीशन है, वीकनेस के साथ आप चाहें तो टाटा मोटर्स पे पोजीशन शॉर्ट में फ्यूचर में शॉर्ट में पोजीशन इसमें देखने को मिल सकती है आपको। मेरी कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।